हाय एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट दो वीडियो में हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मतलब कहाँ होती है, इसमें क्या कौन सी एक्टिविटी होती है, इसके ऑर्गन मतलब जो टोटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे डेवलप है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये जो फीमेल के बॉडी में कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी, इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ये जो मैंने बीच में बनाई है, ये मस्कुलर रिब है। इसके ऊपर का पार्ट होता है थोरेसिक कैविटी, चेस्ट का पार्ट होता है, और इसके नीचे का पार्ट जो स्टमक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और ये सब होता है इसके नीचे, ये होती है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो पेल्विक कैविटी होती है। ये दिखाने का रीजन ये है, ये जो यूटेरस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस पेल्विक कैविटी में ही होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी दो पार्ट होते हैं, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसका है ओवरी, ये जो स्मॉल आलमंड शेप बनाया हुआ है ये है ओवरी, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स वगैरह वो है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हुए इसमें मेनली थ्री पार्ट है, एक तो ये ओविडक्ट, सेकेंडरी यूटेरस और थर्ड वजाइना, इन तीनों पार्ट से रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है। ओविडक्ट मतलब क्या है, फेलोपियन ट्यूब है जो 10 टू 12 सेंटीमीटर लंबी है, स्टार्ट होती है इससे, यहां से स्टमस, ये जो सबसे छोटा वाला पार्ट है यहां से स्टार्ट होती है। कभी भी आपको एनसीईआरटी के नेट में क्वेश्चन आएगा तो ये स्टार्ट होती है यहां से, स्टार्ट पॉइंट ये होता है इसका, ये जो नैरो है स्ट्रक्चर यहां से स्टार्ट है। ये मैंने ऐसे ही आपको बताने के लिए यस निकला है, स्टार्ट यहां से होती है। इसके चार पार्ट है, एक तो ये सबसे छोटा इस्थमस, इस्थमस मतलब जो ज्योग्राफी में एक इसके लिए डेफिनेशन है, डेफिनेशन मतलब एक टर्म यूज किए इस्थमस करके, सबसे थिक लैंड जो थिन लैंड होगी मतलब सबसे छोटी लैंड होगी उसको ज्योग्राफी में इस्थमस कहते हैं, ये टर्म इधर यूज किए हैं क्योंकि इसका एंट्रेंस सबसे छोटा है, मतलब ये जो ट्यूब है इधर छोटी है, सबसे नैरो है। इसके बाद होता है ये एम्प्यूला, एम्प्यूला मतलब बड़ा रीजन, इसको हम एम्प्यूला कहते हैं, सबसे बड़ा रीजन यही है। और इधर ये इनफंडिबुलम है, ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है ये ऐसा होता है, ये जो इधर फनल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये है इनफंडिबुलम। और ये सबसे आगे फिम्ब्रे, फिम्ब्रे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, स्टार्ट होती है इस्थमस से और एंड होती है फिम्ब्रे में। तो ये मैं बता रहा हूं ओविडक, ओविडक स्टार्ट होती है इस्थमस से और एंड होती है फिम्ब्रे पे। तो आगे का ये पार्ट है यूटेरस, यूटेरस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके तीन लेयर का वॉल है, एक तो सबसे बाहर है पेरिमेट्रियम, अंदर है मायोमेट्रियम और सबसे अंदर है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वॉल सिलिएटेड वॉल है और इसका साइज हमेशा बदलता रहता है, जो रेड कलर से मैंने दिखाई है वो है एंडोमेट्रियम। इसका साइज हमेशा चेंज होता रहता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कौन सी स्टेज में है, बॉडी की स्टेज में, उसके ऊपर इसका साइज डिपेंड है एंडोमेट्रियम का। और ये जो मायोमेट्रियम है जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाई है, ये थिक मस्कुलर वॉल होती है। इसका काम होता है जब बेबी इधर बनता है यूटेरस में, तब पुश प्रेगनेंसी में उसको पुश करने के लिए इस मायोमेट्रियम यूज होती है, इस मायोमेट्रियम की वजह से ये बेबी बाहर पुश हो पाता है, इसलिए ये थिक मस्कुलर वॉल है। और ये सबसे थिन है बाहर की पेरिमेट्रियम, बाहर का मतलब पेरी,
बीच का मायोमेट्रियम और अंदर का सबसे अंदर है इसलिए एंडोमेट्रियम, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये तीन वॉल के स्टेज है, तीन वॉल है, तीन लेयर वॉल। यूटेरस ओपन होता है ऐसे, ये दो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं सर्विक्स, ये सर्विक्स होते हैं और इन दोनों में से एक बीच में थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस होती है उसको हम कहते हैं सर्विकल कैनाल, इससे बेबी बाहर आता है वजाइना में। ये वजाइना है जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है और ये इसका ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग। तो पहले तो ओविडक्ट, यूटेरस एंड वजाइना, ये तीन एक्सेसरी ग्लैंड है जो मैंने पहले स्टार्टिंग में पार्ट बताया थे, ओविडक्ट, यूटेरस एंड वजाइना, ये तीन एक्सेसरी डक्ट है। एक्सेसरी डक्ट का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टिंग, जो हमने लास्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखा था कि जो एक्सेसरी डक्ट होते हैं उनका काम होता है सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना, उधर स्पर्म करते इधर ओविडक्ट सॉरी ओवम या एग्स ट्रांसपोर्ट करने का काम इस तीन एक्सेसरी डक्ट्स की वजह से होता है। ये जो सर्विकल कैनाल है और ये वजाइना, इन दोनों को मिलकर बर्थ कैनाल कहते हैं, क्योंकि बेबी जब इधर बनता है तो ये इस कैनाल से और वजाइना से ही बाहर आता है, इसलिए इन दो कैनाल को सर्विकल कैनाल एंड वजाइनल कैनाल को बर्थ कैनाल कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं ये काम कैसे करते हैं, मतलब ओविडक्ट में जो चार पार्ट है वो कैसे काम करते हैं, ये क्या इसका काम, तो मैंने अभी बताया आपको एंडोमेट्रियम का क्या है, मायोमेट्रियम का क्या है। तो ये जो फिम्ब्रे है ये जब ओवरी एग प्रोड्यूस करते हैं तब ये ऐसे इसको सहलाता रहता है ओवरी को, एग मुझे दे दे करके, और ये एग्स कैप्चर करने के लिए फिम्ब्रे होती है, या वैसे स्टेबल ही होते हैं, लेकिन जब ओवरी एग्स प्रोडक्शन करती है तभी ये मूवमेंट करना चालू कर देती है और एग्स को अपने पास ले लेती है, कैप्चर, एग्स कैप्चरिंग का काम है फिम्ब्रे का, और ये ट्रांसपोर्ट करती है इस एम्फ्यूला में, एम्फ्यूला में एग्स इधर वेट करता रहता है स्पर्म का। तो यहां से एग्स इस एम्फ्यूला तक और इससे अंदर ये जाने के लिए एग्स एग को कोई पैर नहीं होते या कोई टेल नहीं होती जैसे स्पर्म को है, तो ये मूवमेंट नहीं करता है, तो ये जाता कैसा है, इसके लिए ये अंदर फिम्ब्रे के बाद जो रीजन आता है इन्फंडिबुलम और एम्प्यूला, इसमें ये सीरिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये जो मैंने बताया आपको ऐसा सीरिएटेड स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है, उस सीरिएटेड स्ट्रक्चर की वजह से एग्स अंदर जाता है और एम्प्यूला में स्टेबल होता है। जब इसमें स्पर्म जाता है और ये एग्स को फर्टाइल करता है तब ये एग्स यहां ओविडक्ट में आता है और इधर इसका ग्रोथ होता है ओविडक्ट में, तब इसकी साइज भी चेंज होती है यूटेरस की, और बाद में इस सर्वाइकल कैनल से बेबी बाहर आता है। ये जो ओवरी आलमंड शेप है इसमें ही एग बनता है, ये तो ऐसे ही नहीं पड़ी हुई होती है पेल्विक कैविटी में, ये अटैच होती है यूटेरस के, यूटेरस से और कुछ पार्ट और है उसके साथ ये अटैच होती है ओवरी, और उसकी ओवरी की वजह से ये सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। तो अब ओवरी में क्या होता है वो देखेंगे, एनसीईआरटी में हमारे एक और चीज बताई हुई है कि ये पियर शेप है, ओवरी पियर शेप है, उल्टा पियर शेप है, मतलब पियर अमरूद कैसा होता है, ये ऐसा अमरूद का स्ट्रक्चर होता है, उसके उल्टा शेप पियर शेप ये है, तो इसका सही भी शेप पियर शेप ही है। तो अब हम देखेंगे इस ओवरी के बारे में, मैं सभी डायग्राम मिटाना चाहता हूं लेकिन मिटा नहीं सकता, मैं सिर्फ इधर साइड का पार्ट ही मिटाकर इधर ओवरी का स्ट्रक्चर बनाता हूं और उसके बारे में हम बात करेंगे। ये मैंने ओवरी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस ओवरी का साइज है 2-4 सेंटीमीटर और ये आलमंड शेप होती है, ये जो ओवरी है ये आलमंड शेप होती है,
इसमें जो अंदर का मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं स्टोमा, और इस स्टोमा में भी अभी दो पार्ट है, ये जो बीच में है इसको कहते हैं मेडुला। जैसे अंडे में योक रीजन होता है येलो कलर का और बाहर का जो फ्लूइड होता है सफेद कलर का, वैसे ये फ्लूइड जैसा होता है और ये योक जैसा, मैं आपको ध्यान में आने के लिए मैं कंसिडर करा रहा हूं। मेडुला होता है बीच में और ये जो बाहर का रीजन है इस रीजन को कहते हैं कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स रीजन में एक सुंदर से ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। इसका साइज कोई परफेक्ट नहीं है, इसका साइज चेंज हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, छोटे मोटे हो सकते हैं। उसको कहते हैं हम ओवेरियन फॉलिकल्स। जैसे शंख में मोती होता है ऑयस्टर में, वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और इस ऑयस्टर में मोती मतलब ओवम होते हैं, ये जो है बीच में हर एक ऑयस्टर में ओवम होता है और ये अपने अपने ओवम को बढ़ा रही होती है, बड़ा कर रही होती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सैलाब कर बड़ा करती है, वैसे ये ओवम को बड़ा करती है। सभी के सभी ओवम ये मैच्योर नहीं होते, कई कई ओवम इसी स्टेज में डिक्लाइन करना पड़ते हैं। तो इस ओवरी के बाहर का जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा स्ट्रक्चर ओवरी के बाहर के बाजू में बना होता है, उसको जर्मिनल इपिथेलियम कहते हैं, मतलब जर्म इपिथेलियम। जर्मिनल मतलब जर्म जो बनाते हैं वो इपिथेलियम कहते हैं। पहले पहले तो साइंटिस्ट लोगों को लगता था ये जो जर्मिनल इपिथेलियम है इसकी वजह से एग्स बनता है, जो ओवम है ये इसकी जर्मिनल इपिथेलियम की वजह से ही बनता है, ऐसा लगता था। लेकिन बाद में रिसर्च करने के बाद पता चला ये तो सिर्फ बना हुआ बाहर का स्ट्रक्चर है, इसका कोई अंदर के मटेरियल से मतलब इसका कोई यूज नहीं है, अंदर के मटेरियल से कोई इसका संबंध नहीं है। ये अंदर बनता है इस ओवेरियम फॉलिकल्स में ओवम, ये बाद में रिसर्च करके पता चला। तो ये थी एक तो मेडुला में ये रेड कलर की मैंने बताई है डायग्राम निकाली है, वो है ब्लड वेसल्स। इस मेडुला में ब्लड वेसल्स आती है और इसका हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होती है तो ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आज तो इतना ही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इसके सीरीज चलती रहेगी, आप प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिए। और आपको आपने सीधा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा होगा तो इसके पहले जो दो वीडियो थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में वो भी जान लीजिए, तो आपको पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता चल जाएगा।